दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाना है। इंग्लैंड टीम पाकिस्तान गई है टोटल 3 टेस्ट मुकाबले खेलने के लिए। इन तीनों मैचों के लिए 3 अलग अलग स्टेडियम का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन जो नया शेड्यूल आया उस हिसाब से 2 मैच एक स्टेडियम में खेले जाएंगे और तीसरा मैच जो है वो अलग स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे कराची के स्टेडियम में, तीसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा रावलपिंडी के स्टेडियम में। इंग्लैंड टीम और पाकिस्तानी टीम में कोई भी तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लैंड की टीम किसी भी टीम को हरा सकती है और पाकिस्तान टीम किसी भी टीम से हार सकती है। कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश टीम ने काफी बुरी हार हराई थी पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में जाके। वहीं उसी बांग्लादेश टीम को भारत ने बिल्कुल नेस्तो नाबूद करके वापस भेजा बांग्लादेश में। वहीं अगर इंग्लैंड टीम की बात की जाए तो इंग्लैंड टीम सबसे ज्यादा मजबूत टीम नजर आती है, चाहे वो T20 की बात की जाए, ODI मुकाबले की बात की जाए या टेस्ट मुकाबले की बात की जाए। अगर आप भारत में रहते हैं और इस मुकाबले को देखना चाहते हैं टीवी पे, तो टीवी पे आप किसी भी चैनल पे नहीं देख पाएंगे, चाहे सोनी हो या कोई और चैनल हो, कोई भी चैनल इसका लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा क्योंकि किसी के पास राइट्स नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेट के थ्रू यानी कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फिर किसी भी अन्य डिवाइस में देखना चाहते हैं इस मुकाबले को, तो आप फैनकोड की वेबसाइट पे या फैनकोड के ऐप पे देख सकते हैं इस मुकाबले को। फैनकोड पे इसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। वहीं अगर आप पाकिस्तान से हैं और इन मुकाबले को देखना चाहते हैं टीवी पे, तो टीवी पे आप ए स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स और PTV स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं इस मुकाबले का लाइव ब्रॉडकास्ट। वहीं अगर आप इंटरनेट के थ्रू यानी कि ऐप पे देखना चाहते हैं, तो फिर आप तमाशा ऐप पे देख सकते हैं। तमाशा ऐप पे इसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा।